स्वागत है दोस्तों, आपने बिल्कुल सही पढ़ा। हाउ टू बिकम फियरलेस, डर से छुटकारा कैसे पाए। सबसे पहले आपके अंदर जो भी डर है, असफलता का डर, नकारे जाने का डर, हेजिटेशन, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, नर्वसनेस, जो भी आपके अंदर डर है उसको एक पेपर पर नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि आज आपके इस डर का सॉल्यूशन हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। फ्रेंड्स, आज से 5000 साल पहले महाभारत के युद्ध में अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को कहा कि मेरे इस रथ को दोनों सेनाओं के बीच में लेके चलिए, सेंटर में लेके चलिए। श्री कृष्ण उस रथ को सेंटर में लेके गए। अर्जुन ने कहा कि मैं देखना चाहता हूं कि मुझे किस किस से लड़ना है। जैसे ही रथ सेंटर में गया तो अर्जुन ने दोनों सेनाओं के बीच जाने के बाद देखा कि मुझे किस किस से युद्ध करना है। देखते ही वो डर गया और उसने युद्ध करने से मना कर दिया। श्री कृष्ण ने उसे बार बार समझाया, अर्जुन उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ, खड़े हो, युद्ध लड़ो। लेकिन जब अर्जुन डर गया पूरी तरीके से, उसने युद्ध करने के लिए पूरी तरीके से मना कर दिया, तब श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश सुनाया। गीता का उपदेश सुनने के बाद अर्जुन युद्ध के लिए तैयार हुआ। तो फ्रेंड्स, गीता जरूर पढ़िए अपनी लाइफ में, गीता जरूर पढ़िए एक बार। गीता में आपकी लाइफ का हर वो सॉल्यूशन है, जो आपकी लाइफ में चैलेंजेस हैं, जो भी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं, वो सब गीता में उसका सॉल्यूशन दिया हुआ है। आज से 5000 साल पहले ही उस सब चीजों का सॉल्यूशन दे दिया गया था। तो गीता को अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट कीजिए, उसको जरूर पढ़िए। आपके अंदर जो भी डर है वो सब आपकी थिंकिंग, आपकी साइकोलॉजिकली है ओनली, क्योंकि जैसा आप सोचते हैं आप वैसा ही बन जाते हैं। अगर आप डर के बारे में सोच रहे हैं, आप बताइए क्या अभी इस टाइम आप डरे हुए हैं? नहीं, आप डरे हुए नहीं हैं। तो आपको डर कब लगता है, क्यों लगता है? आपको डर उन्हीं चीजों से लगता है जब आप ज्यादा सोचते हैं इस चीज के बारे में, जब आप ज्यादा एक्सपेक्टेशन करते हैं किसी चीज से, एक चीज के बारे में बार 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 सोचते रहते हैं और उस चीज से आप डरने लगते हैं। तो 100 में से 99 चीजें वो कभी नहीं हुई जिनसे आपको डर लगता है। तो ऐसी चीज, ऐसा डर जो है ही नहीं, जो कभी होने ही नहीं वाला, उससे छुटकारा कैसे पा सकते? जो चीज है ही नहीं उससे छुटकारा पाया ही नहीं जा सकता। तो डर आपके मन की एक उपज है, एक मन का एक वहम है, उसको मन में आने ही मत दीजिए। अगर आपके मन में कुछ ऐसा विचार आ भी रहा है तो आप कुछ डिफरेंट विचार लेके आइए, कुछ पॉजिटिव विचार लेके आइए, या फिर कुछ कॉमेडी वाला विचार लेके आइए। तो जैसा आप सोचेंगे, जिस चीज के बारे में आप सोचेंगे बार बार, आप वही काम करेंगे, और जैसे जैसे आप उस काम को करेंगे वो आपकी आदत बनता जाएगा। तो आप अपने अंदर डर का विचार लेके आएंगे तो आपकी आदत बन जाएगा डरना, मन में आपके अंदर डर की फीलिंग आना आपका आदत बन जाएगा। सो आप जैसा सोचेंगे वैसे ही बनेंगे। तो अगर आपको सोचना ही है तो थोड़ा पॉजिटिव सोचिए, कुछ कॉमेडी वाला सोचिए, तो इससे आप पॉजिटिव बनेंगे और आपका जॉली नेचर बनेगा। जॉली मीन्स हंसमुख नेचर आपका बनेगा। तो अपने विचारों को पॉजिटिव चीजों की तरफ लेके चलिए, मन के अंदर पॉजिटिव विचार लाइए, पॉजिटिव चीजों के बारे में बार बार सोचिए, और इससे आप पॉजिटिव बने रहेंगे और आपके अंदर जो भी डर है वो आएगा ही नहीं। डर वाली कोई भी चीज है, चाहे नेगेटिव थॉट्स हैं, नेगेटिव विचार हैं, हेजिटेशन, नर्वसनेस, जो भी है, जिस चीज से भी आपको डर लगता है उसके बारे में आपको नहीं सोचना। और अगर आपके लाइफ में कुछ चैलेंजेस हैं, ऐसा कुछ आपको फील हो रहा है कि ये काम मैं नहीं कर सकता, तो उसमें आप अपने पेरेंट्स की एडवाइस ले सकते हैं, आपके वेल विशर्स की एडवाइस ले सकते हैं, आपके टीचर्स की या आपके बेस्ट फ्रेंड्स की एडवाइस ले सकते हैं। क्योंकि आपके जो बेस्ट फ्रेंड्स हैं, जो आपके रिलेटिव्स हैं, वो आपको ऑलवेज सपोर्ट करेंगे, ऑलवेज गुड एडवाइस देंगे, हमेशा सपोर्ट करेंगे, हमेशा गुड एडवाइस देंगे। तो इसीलिए जिस चीज से भी आपको डर लगने लगे उस चीज के बारे में सोचना ही नहीं है, आपको उसका ऑपोजिट सोचना है, कुछ पॉजिटिव, कुछ अच्छा, कुछ इंटरेस्टिंग सा, कुछ नई चीजों के बारे में सोचना है जो आपको अच्छा आउटपुट दे सके, ऐसी चीजों के बारे में सोचना है।
फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे सब्सक्राइब का बटन है उस पर क्लिक कीजिए, और बेल आइकन का बटन है उसके साथ, बेल आइकन के बटन को भी क्लिक कीजिए ताकि जो भी हमारे नए वीडियोस होंगे उनका नोटिफिकेशन आपके पास आ सके। हमारे इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।